हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रे, हैप्पी हिंदू नववर्ष। आज हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है जी, क्योंकि वैसे तो 2023 चल रहा है और हिंदू वर्ष के हिसाब से चल रहा है 2080। हम यानी कि 57 साल आगे हैं जी हिंदू वर्ष में। तो आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जी हिंदू नववर्ष की और नवरात्रि की। माता रानी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि कहते हैं ना, ऊपर वाला साथ हो तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही कहा जी। और मौसम सुबह सुबह तो रहता अच्छे से, और रात की बात बताती हूँ आपको। रात को हमारे यहाँ भूकंप आया जी, एकदम से रात को लगभग 10 या 10:15 का, कुछ फिक्स तो टाइम नहीं ध्यान में, 10 या 10:15 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। उस टाइम में लाइव चल रही थी, तो मेरे को लगा कि मेरे बेटा जी है ना, वो ट्राइपॉड को हिला रहे हैं, मेरे को हिला रहे हैं। मैं इसको बोल रही थी, बेटा जी क्या कर रहे हो, बेटा जी क्या कर रहे हो। फिर देखा बेटा जी खुद ही बोला, मम्मी मैं नहीं हिला रहा हूँ, देखो हमारा बेड ही हिल रहा है। तो आप लोग प्लीज कमेंट्स करके बताना कि आप हम हैं जी राजस्थान झुंझुनू से, हमारे तो आया था भूकंप के झटके और एकदम से धरती ऐसे अच्छे से महसूस हो रही थी, बिल्कुल अच्छे से, यानी बच्चे बच्चे भी ऐसे महसूस कर रहे थे कि भाई धरती हिल रही है, एकदम से ऐसे हिलने की, बेड है ना, वो बेड पे बैठे थे मम्मी और बेटे हम, तो एकदम से हिलने की आ रही थी आवाजें। तो आप लोगों के पास भी आया हो तो प्लीज कमेंट्स करके बताना कि कहाँ कहाँ पे भूकंप के झटके आए हैं। और मौसम है वो सुबह सुबह रहता अच्छा, और शाम को टाइम में वही अपना रंग दिखाने लगता है जी, गड़गड़ाहट के साथ। हमारे यहाँ ओले वगैरह तो नहीं आए हैं जी अभी, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि है, भगवान जी ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और हिंदू नव वर्ष हो गया है जी स्टार्ट, और नवरात्रे भी हो गए हैं स्टार्ट आज से। और मेरा बेटा जी आज गया है अपने स्कूल में अपना एडमिशन करवाने के लिए जी। उसकी जो स्कूल है उसमें उसका कोशिश है कि उसका पहला एडमिशन उसी का हो जी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी ही चला गया था बेटा जी, तो लगभग 8:15 से स्टार्ट करेंगे, वो ओपनिंग है उसकी। तो बेटा जी गए हैं अपना स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, देखते हैं कि नववर्ष और नवरात्रे क्या रंग लेके आते हैं हमारी और हमारी बेटा जी की जिंदगी में। बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं डेली रूटीन में लग गई हूँ, मेरे खाना वाना बस वही चलता रहता है जी डेली रूटीन में। तो कहते हैं ना हाउसवाइफ की तो लाइफ ऐसी होती है जी, हम औरतें दिखाई और क्या सकती हैं, वही अपने किचन का कामकाज बस यही चलता रहता है हमारे। तो सबसे पहले मैं साफ सफाई हो गई जी आज, और अभी बना रहे हैं खाना। ये देखो जी हम अभी खाना बना रहे हैं, उससे पहले बेटा जी आ जाएगा तो उसके लिए पोहे बनाती हूँ, क्योंकि वो बोल के गया था मम्मी मैं आते ही पोहे खाऊंगी, सबसे पहले उसके लिए पोहे बनाती हूँ। ये लो जी, ये देखो जी बेटा जी के लिए बना दिए हैं पोहे, गर्मा गर्म है पोहे हैं रेडी। आप भी आइए, आपका वेलकम है। देखो कैसे मटर गश्ती कर रहा है बेटा जी, क्योंकि बेटा जी को जिस दिन छुट्टी होती है ना तो पोहे नमकीन कुछ चटपटा खाने की जरूरत होती है जी, ऐसे मानता ही नहीं है। गाइस आप भी आ जाओ, आप भी खा लो मेरे साथ। आप सबको भी बुला रहा है भैया आर्यन कि आप भी आ जाओ, आप सब भी खा लो मेरे साथ। आइए, फिर से बोल रहा है आपको, आप सबका वेलकम है जी, क्योंकि बेटा जी को पसंद है तो सच में बच्चों को तो सबको ही होंगे। और पोहे तो ऐसे हैं भी नुकसानदायक नहीं है जी, फायदेमंद ही है, थोड़ा सा हल्का सा भोजन है और वैसे होता भी चटपटा सा है ना, तो बेटा जी का मन भी करता है खाने का। गाइस आप सब क्या कर रहे हो, आप सब क्या कर रहे हो, वही बेटा जी पूछ रहे हैं आप सब क्या कर रहे हो। सुबह सुबह तो सब नाश्ता पानी कर रहे होंगे जी, क्योंकि सुबह सुबह है, नाश्ते का ही टाइम हो रहा है, अभी बज चुके हैं लगभग 9, तो नाश्ते का टाइम है जी। आइए पोहे खाने के लिए। ये देखो जी हमारी आलू प्याज और टमाटर की सब्जी बन करके हो गई है रेडी एकदम से। मटरों का तो गया सीजन, तो इसमें प्याज और टमाटर होते हैं ना, तो मैं उनको थोड़ा सा पेस्ट बना करके मिक्सी से वो डाल देती हूँ, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं आलू, और खाने में भी टेस्टी बनती है जी। तो देखने में टेस्टी लग रही है, खाने में भी टेस्टी बनी होगी जी। आइए खाना बना लिया है जी रेडी। आइए जी, ये देखो जी हमारा दलिया बनके हो गया है रेडी। आज बनाया है दलिया, क्योंकि पापा जी है ना, उनकी दांतों में पता नहीं क्या कुछ नसों में प्रॉब्लम है, तो 2-3 महीनों से उनकी दांतों में हो ही जाता है दर्द, तो दलिया खाना पड़ता है, फिर रोटियां खाई नहीं जाती अच्छे से।
तो देखने में तो हमारा दलिया अच्छा लग रहा है। ये देखो जी, एकदम से पक्के हो गया है, रेडी। और खाने में पता नहीं कैसा बना है जी, वैसे तो टेस्टी बनाती हूँ जी दलिया, क्योंकि 2-3 महीनों उसमें यानी लगातार 4-5 दिन तो बनाना ही पड़ता है पापा जी के लिए दलिया। तो देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में भी टेस्टी होगा और सब्जी भी टेस्टी बनी है जी। आलू प्याज टमाटर की बनाई है सब्जी, मटरों का गया सीजन, तो साथ साथ में दलिया और सब्जी, क्योंकि हम तो दलिया नहीं खाते हैं जी। सुबह सुबह दही के साथ तो टेस्टी लगता है, वैसे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए अभी दोपहर में पापा जी के लिए बना लिया है। ये देखो जी हमारा दलिया एकदम से अच्छा और टेस्टी और सेहतमंद भी है, हल्का सा रहता है एकदम से। जो मेरी तरह आलू खा खा के हो रहे हैं ना आलू जैसे, उनके लिए है तो अच्छा, लेकिन अच्छा टेस्टी नहीं लगता है, क्या करें जी, खाना चाहिए हल्का भोजन है जी। ये देखो, ये लो जी, खाना पीना हो गया है, खाना बना भी लिया है और खाना खा भी लिया है, क्योंकि मैं ये नवरात्रि नहीं करती हूँ जी, जो मेरी बहनें कर रही हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी नवरात्रों की, मैं नहीं करती हूँ जी, क्योंकि एक बार मेरे छूट गए थे, तो ऐसे बोलते हैं कि नवरात्रि बीच में छोड़ देते हैं तो उसके बाद में नहीं करते, पता नहीं ज़्यादा तो उसके बारे में पता है नहीं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, पहले करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ जी, इसलिए नवरात्रि नहीं किए थे। खाना बनाया और खाना खा भी लिया, हमारे देवी देवताओं को भी खिला दिया, हम सब ने खाना पीना हो गया है जी बस। और बेटा जी की है आज छुट्टी, क्योंकि बेटा जी की प्री एग्जाम चलते हैं ना, एक दिन की एग्जाम होती है और अगले दिन की छुट्टी, एक दिन एग्जाम एक दिन की छुट्टी, ऐसे ही चलता रहता है। टीचरों को लगता है कि बच्चे घर पे ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, लेकिन घर पे कुछ नहीं पढ़ते जी बच्चे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करते हैं घर पे। स्कूल में जाते हैं ना तो थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं, लेकिन घर पे बिल्कुल भी नहीं करते हैं जी। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखना, और मेरे अपनों ने तो काफ़ी साथ दिया है जी, और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना, ताकि मेरे को पता लगे कि मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। कुछ मेरी दीदियाँ हैं, वो तो सच में पूरा वीडियो देखती है, यूपी से है मेरी दीदी, वो पूरा वीडियो देखती है, जो पूरा वीडियो देख के फिर कमेंट्स करता है ना, तो पता लग जाता है, वो हर चीज के बारे में बताता, वैसे लिख देते हैं वेरी नाइस वेरी नाइस, ये नहीं पता इसमें लिखा क्या है, क्या नाइस है, ये नहीं पता रहता है कुछ को तो कि है वीडियो किसके बारे में, लेकिन कुछ है उनके बहुत बहुत धन्यवाद दी मेरे यूट्यूब फैमिली वालों जो पूरा देखते हैं वो, यानी फुल वॉच के साथ तो कमेंट्स करते हैं, तो पता लग जाता है कि इन्होंने पूरा वीडियो देखा है जी। वैसे टाइम भी नहीं मिलता, आप लोगों की गलती नहीं है जी, मेरी बहनों को काम बहुत ज़्यादा होता है, मैं मेरी खुद की बता दूं, काम बहुत ज़्यादा होता है जी, टाइम नहीं मिल पाता है, हम सबके वीडियो नहीं देख पाते, पूरे नहीं देख पाते हैं, टाइम का अभाव रहता है, लेकिन जिनके कमेंट्स आते हैं उनके वीडियो मैं ज़रूर देखती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर देना, ताकि मेरे को पता लगे और मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकूं, क्योंकि ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं तो सबके वीडियो नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो कमेंट्स करते हैं उनके मैं ज़रूर देखती हूं, तो प्लीज़ जो भी मेरे वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ कमेंट्स कर देना, ताकि मेरे को पता लगे कि मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकूँ जी। बस यही करती हूँ मेरे वीडियो का एंड, बाय बाय, राम राम जी सभी को, थैंक यू, राम राम जी सभी को।